दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों ये योगासन आपके लिए है, ये योग पुरुषों के लिए है। आप अपने घर पर योग करना शुरू कर सकते हैं, ये पुरुषों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि योग केवल महिलाओं के लिए ही है, बल्कि ऐसा नहीं है, योग पुरुषों के लिए भी है। यहाँ तक कि पुरुषों को महिलाओं की तुलना में कुछ योगासन से अधिक लाभ हो सकता है। इस बात पर शायद आपको यकीन ना हो, मगर ये सही है। मूल रूप से योग सभी के लिए है, योग पुरुषों के लिए है, योग महिलाओं के लिए है, बुजुर्गों के लिए है और बच्चों के लिए भी है। लेकिन अभ्यास करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पुरुषों, महिलाओं, बूढ़े और बच्चों के लिए कौन से आसन हैं। कई योगासन ऐसे हैं जिनका अभ्यास पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं, लेकिन सभी योगासन बुजुर्गों और बच्चों के लिए नहीं है। हम यहाँ आपको कुछ ऐसे योगासन के बारे में बता रहे हैं जो आपके पूरे शरीर में मांसपेशियों के निर्माण करने में मदद करते हैं, खासकर पैरों, कूल्हों, कंधों और छाती की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। इस वीडियो में कुछ ऐसी ही मुद्राएं आपको बताएंगे जिनको आपको अपनी उम्र के हिसाब से करना है। उत्तानासन, ये पुरुषों के लिए विशेष योग है। आगे की ओर खड़े हुए मुद्रा को उत्तासन भी कहा जाता है। ये स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड पोज पुरुषों के लिए एक अच्छा योग है। ये एक स्थायी योग है जिसमें व्यक्ति का पूरा शरीर आगे की ओर झुका होता है। ये योग मुद्रा आपके शरीर के पूरे पिछले हिस्से को सिर से एड़ी तक स्ट्रेच करने में मदद करती है। अगर इसके फायदों की बात करें तो ये ब्लड प्रेशर कम करता है, सर दर्द और रक्त परिसंचरण में सुधार करता है, आपको बेहतर नींद में मदद करता है, आपको तनाव से आराम दिलाने में मदद करता है। वीरभद्रासन, वीरभद्रासन या वॉरियर्स पोज तीन मुख्य भागों में बांटा गया है। ये आसन एक पौराणिक योद्धा के कारनामों को याद करता है। ये आसन घुटने के क्षेत्रों के साथ साथ आपकी जांघ की मांसपेशियों का निर्माण करता है, जिसका अर्थ है कि आपको जोड़ों के लिए अधिक स्थिरता और सुरक्षा मिलेगी। ये पुरुषों के साथ साथ महिलाओं और खिलाड़ियों के लिए भी अच्छा योगासन है। पुरुषों के लिए एक प्रतिष्ठित योग है। ये आपको खिंचाव में मदद करता है, जहाँ आपको कूल्हों या कंधों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ये एक मजबूत मुद्रा के अलावा और कुछ नहीं है। ये पैरों और घुटनों की मांसपेशियों को मजबूती और स्थिरता प्रदान करता है, आपके कंधे, हाथ और पीठ को मजबूत बनाता है, आपके संतुलन और एकाग्रता को बेहतर बनाने में मदद करता है। उत्कटासन, उत्कटासन को चेयर पोज भी कहते हैं। ये पुरुषों के लिए बेहतर माना जाता है। अगर आप खुद को माचो मैन के तौर पर देखना चाहते हैं तो ये योगासन आपके लिए है। इस आसन को करना बहुत आसान है। इसमें आपको बिना कुर्सी के बैठना है। ये योग स्ट्रेंथ, स्थिरता और बैलेंस बनाने में मदद करता है। ये हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स और इरेक्टर रीढ़ की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। निचले पैर की मांसपेशियों को मजबूत करने और विकसित करने के लिए अच्छा है। ये सपाट पैरों में सुधार लाने के लिए भी अच्छा है। आपके पेट के अंगों को प्रोत्साहित भी करता है। भुजंगासन, भुजंग यानी सांप के आकार का आसन भुजंगासन कहलाता है। कुछ लोग भुजंगासन को पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए फायदेमंद मानते हैं। इसे करना बहुत आसान है। पारंपरिक योग पुस्तकों में कहा गया है कि भुजंगासन का कोबरा मुद्रा शरीर की गर्मी बढ़ाता है, रोगों को मारता है और कुंडलिनी को जागृत करता है। ये मुद्रा आपकी रीढ़ को मजबूत बनाने में मदद करती है। इससे छाती, कंधे और पेट में खिंचाव होता है। ये नितंबों को शेप में लाता है। ये योग तनाव और थकान को दूर करने में मदद करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको कुछ योग के बारे में जानकारी दी जिनको करने से आपका शरीर मजबूत बनता है, स्वस्थ बनता है। वीडियो बेहतर लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए इस प्रकार की वीडियो हम लगातार आप तक लेकर आते रहें और आप लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।